आई एम सिदनाज। तो कैसे आप सब, उम्मीद है ठीक होंगे। तो रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ उसे स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी में आज आपके लिए लेके आई हूँ, आज हम जो चीज़ बनाएंगे उससे हम तीन चीज़ें रेडी करेंगे, 3 in 1। तो मैंने चिकन लिया है, छोटी बोटी की है बहुत, तो आप इसकी जगह कीमा भी ले सकते हैं। साथ में बंद गोभी ली है, हरा धनिया लिया है और हरी मिर्चें ली हैं। साथ में मैंने लहसुन लिया है चॉप किया हुआ, नमक लिया है, साथ में लिया है धनिया, साबुत धनिया और गरम मसाला लिया है। साथ में लिया है लाल कुटी हुई मिर्च और सुरख मिर्च पाउडर। साथ हमने लिए हैं उबले हुए आलू जिनको मैंने बारीक काट लिया है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। आपने ऑयल गरम करना है और इसमें लहसुन ऐड कर देना है, इसको हल्का सा फ्राई करना है और इसमें चिकन ऐड कर देंगे हम। चिकन की यहाँ बहुत छोटी बोटी मैंने ली है, तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जब तक ये वाइट नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे भूनेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, वाइट हो चुका है, तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने मिर्च ऐड करनी है, कुटी हुई लाल मिर्च और सुरख मिर्च पाउडर जो है दोनों, नमक ऐड कर दिया है साथ ही, और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें गरम मसाले। तो मसाला ऐड करके हम इसे मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। हो चुका है और चिकन भी गल चुका है, तो अब हम इसको चम्मच की मदद से इस तरह से मैश कर लेंगे। बारीक बारीक मैश कर लेना है हमने इसको। भी हमने इसमें उबले हुए आलू ऐड कर दिए हैं, इनको भी हमने इसमें मैश कर देना है, इसको मिक्स करके। तो इसे मैश कर देना, चम्मच की मदद से ही हम हल्का हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना। इस तरह से हमें इसका बना लेना है मेज़ा और इसमें बंद गोभी भी ऐड कर देनी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, इसको ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हमने फ्लेम बंद कर देना है, इसको हमने फ्लेम पे नहीं पकाना। तो ये जो मसाला हमारा था वो रेडी है। अब हम बनाएंगे, जो आटा हमने गूंदा था इसको बेल लेंगे। पहले हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। मैं सारे पेड़े बना लिए हैं, अब हम इनको एक एक करके बेल लेंगे। बड़ी सारी रोटी हमने बना लेनी है, इसको अच्छे से बेल लेना है। इसके बाद हम जब इतना बड़ा इसको बेल लेंगे तो आपने कोई भी गोल चीज़ ले लेनी है, तो उससे हमने इसको इस तरह से दबा के ज़ोर से, तो इसकी गोल सी टिक्की निकाल लेंगे। इसको ज़ोर से ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से आपने इसको बना लेना है। एक बट्टी में से आप 2 से 3 इसके पीस बना सकते हैं। इसी तरह से सारी आपने गोल पीसेस के बना लेने हैं, तो 1 by 1। और जो बाकी आटा बचेगा उसको आपने दोबारा से इसका पेड़ा बना के तो बेल लेना है। इस तरह से इनको बेल लिया है। अब हम एक टिक्की लेंगे और इसको दोबारा से बेलने में बेल लेंगे और इसको थोड़ा पतला कर लेंगे, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और पतला भी हो जाएगा। इसके साथ ही हम थोड़ी सी बारीक पट्टियां भी काट लेंगे इस तरह से बेल के, तो इसको हमने काट लेना है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे, तो जो मसाला हमने बनाया था उसको हम इस तरह से लेके तो इसको सेंटर में रखेंगे और इस पे पानी भी लगाएंगे साइड्स पे। इस तरह से हमने इस पर साइड पे पानी लगा लेना है। पानी लगा के तो हम इसकी शेप बना लेंगे। तो देखिए इसको आपने इस तरह से पकड़ के तो इस तरह से फोल्ड करते जाना है। दोनों साइड से आपने बारी बारी इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, तो ये एक बहुत अच्छी शेप में बन जाएगा। इसको हम पोटली समोसा कहते हैं। जो बारीक पट्टी हमने बेली थी वो हम इस पर लगाएंगे, लेकिन उसको भी हमने पहले पानी लगाना है और इस तरह से हम इसे इस पर चिपका देंगे। इसी तरह से हम ये 2 से 3 इस तरह की पोटली समोसा बना लेंगे और बाकी को हम डिफरेंट शेप में बनाएंगे। हमने पट्टी को, वो गोल पट्टी को बेला है, एक पट्टी पे हमने मसाला रख दिया है और दूसरी को हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। इस पे हमने इसके पानी लगाया है और इसको हमने फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमने इसको पूरे को फोल्ड कर लेना है। से 3 पीस हम इसी तरह के बना लेंगे। पट्टी की शेप में बेल लिया था, इसके पीसेस बना लिए हैं। तो इसको मैंने चारों साइडों पे पानी लगाना है और इस पे मसाला रख के तो इसको रोल की शेप में फ़ोल्ड कर लेना है। आपने एक कोने में इसके मसाला रखना है, इसका कोना फ़ोल्ड करना है, दूसरा कोना आपने इसको पकड़ के तो इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। यह रोल की इस तरह से शेप बहुत अच्छी बनती है। हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने पोटली समोसा इसमें डाला है। यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना हमने। इसमें मैंने साथ ही रोल ऐड कर दिए थे और इनको पलट दिया है। इनको हल्की आंच पे पकाना है, आपने ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। तो ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये आज की रेसिपी रेडी है। पोटली समोसा बनाया है हमने, साथ में रोल बनाए हैं और साथ में हमने राउंड शेप में समोसा बनाया है। तो बहुत मज़े का बनता है। जो मटेरियल हमने इसमें ऐड किया है वो तो बहुत ही टेस्टी होता है। सिंपल है लेकिन टेस्टी है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद है आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।